जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। हम बुरे ही ठीक हैं, जब अच्छे थे तब कौन सा मेडल मिल गया था। जो गुरूर और रुतबा कल था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरा एटीट्यूड कोई कैलेंडर नहीं जो हर साल बदल जाएगा। जो दिल से उतर गया फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किधर गया। हर पल हर लम्हा खुशी ढूंढो, जिंदगी बहुत छोटी है, जीने की वजह ढूंढो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ अपनी कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें की जाएं। मामूली समझ मत छेड़ मुझे, मैं तो एक आग का दरिया हूँ, जितना आबाद करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, 90% तो इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लम्हों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। मुझे सफलता का मंत्र नहीं पता, पर सभी को खुश करने का प्रयास करना ही असफलता का मंत्र है। आसमान भी उतर जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में तुम्हें असफलता, कठिनाई या मजबूरी ना मिले, तो ये असंभव है। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। असंघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जितने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं को भी समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे वक्त नसीब वालों को मिलते हैं। अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, क्योंकि कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र। जिंदगी के हर सफ़र में हम सफल नहीं होते। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो डर गया वो घर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो कुछ कर गया। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी पीछे मौत। जीवन में कभी भी किसी को बेकार न समझें, क्योंकि बन पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय जरूर बताती है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज़ मिलती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं।
ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देख कर कसम खाती हूँ ऐसा वक्त लाऊंगी कि मिलना पड़ेगा मुझे वक्त लेकर। सब दो व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, परंतु एक नया वातावरण देना भी है। अच्छे विचारों और सच्चे नवाचार के लिए आपको मानवीय इस संघर्ष, संपर्क, तर्क, बहस की आवश्यकता होती है। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर से भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा वो खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मामूली समझ मत छेड़ मुझे, मैं तो एक आग का दरिया हूँ, जितना आबाद करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद करने की ताकत रखती हूँ। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है, तो किस बात का रोना है, तो किस बात का रोना है। बाद मेहनत कर सफलता का बारिश तुझ पर ही होगा, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा, पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब हैं। हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। आपको बस खुद पर यकीन रखना है और आप नकारात्मक सोचना बंद कर देंगे। नकारात्मक सोच को पालना अपने ही आंगन में सांप पालने जैसा है, यह सांप सबसे पहले आपको ही डसेगा। जिंदगी बदलेगी, थोड़ा इंतजार करो, रुक तो गए बार बार करो। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो तुम्हें हर चीज़ में कुछ अच्छा दिखाई देगा, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो तुम्हें अच्छाई में भी बुराई नज़र आएगी। महान आत्माओं ने हमेशा मामूली सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है। हथेली पर रखकर नसीब हर शख्स अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। निराशावादी व्यक्ति को अवसर में भी कठिनाई नजर आती है, और आशावादी व्यक्ति को कठिनाई में भी अवसर नजर आता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। निरंतर प्रार्थना और ध्यान के साथ अपने मन और दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करें या सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार आप अधिक खुश रहेंगे। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बुरे वक्त में हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी ही हमारी क्षमता होती है। एक शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सकारात्मक विचार आत्मविश्वास की जान है। सदा आशावादी विचार रखने वाले इंसान आत्मविश्वास के शिखर की तरह दिखाई देते हैं। जब वक्त खिलाफ होता है तो इंसान अपना सब कुछ हार जाता है, लेकिन आत्मविश्वास रखने वाले हार कर भी जीत जाते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद रहो उदास ना दूसरों को उदास रहने दो। या सोचने के बजाय कि आप क्या खो रहे हो, या सोचने की कोशिश करें कि आपके पास क्या है और लोग क्या खो रहे हैं। अंतर्मन में सकारात्मकता पैदा करने के लिए रामबाण उपाय। निरंतर प्रार्थना और ध्यान के लिए अपने मन और दिमाग को नकारात्मकता से मुक्त करें। यह सकारात्मकता को बढ़ाती है और इस तरह आप अधिक खुश रहेंगे। माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा नहीं पाया मैंने, भले खुद गिरता संभलता रहा लेकिन किसी को गिराया नहीं मैंने। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों तो ज़िंदगी में कुछ होती ही नहीं।